चुनाव के यहाँ सरगर्मी है, लेकिन फिर भी हम लोग चुनाव से भी इनकार करते हैं कि चुनाव हम लोग नहीं देंगे। हम लोग का ये सत्य है कि मान लीजिए कि आज़ादी के आज तक हम लोग को कोई बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। कैमूर पठार दो जिला अंतर्गत 8 प्रखंडों में जो विभाजित किया गया है, ये विभाजित के चलते जो हमारी 5वीं अनुसूची का जो अधिकार मिला था वो नहीं मिल पा रही है। तो हमारा ये मांगे हैं कि प्रशासनिक पुनर्गठन करते हुए 8 दो जिला अंतर्गत 8 प्रखंडों में जो विभाजित है उसे दो प्रखंड में, एक जिला अंतर्गत दो प्रखंड में किया जाए और यहाँ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र लागू किया जाए, एक अनुमंडल की दर्जा दी जाए। जितना हमारा मैंने जनगणना के हिसाब से 70,000 वोट है, उसके हिसाब से कि आज़ादी के आज तक हम लोग वोट देते गए 72 साल से, हम लोग को कोई बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। कानून से भी ऐसे भी हर दरवाज़ा पर आज जितना जंगल झाड़ी से हम लोग का बाल बच्चा सब जी खा रहा होगा, महुआ पियार तेंदु पाता, ये बाघ है अभयारण्य के नाम पर, सेंचुरी के नाम पर दिन इसका शासन जो है एकदम कड़ी रहता, तो यहाँ लोग लाचार होकर कहाँ जाएंगे। इसी पर सब तय हुआ है, 2 दिवसीय मीटिंग में सारी बात हो चुका है कि चुनाव में अभी 2 दिवसीय मीटिंग कब हुई है? 10 सितंबर 11 सितंबर। हाँ, उसी में सब क्या तय हुआ? यही तय हुआ कि जब तक हम लोग का मांग नहीं सुना जाएगा, 6 गो जो मांग है उसके हिसाब से अगर कोई सुनने के लिए तैयार है तब तक हम लोग वोट देने का भी तैयार नहीं है। ये क्या आपका डिमांड क्या है? मेन वही है कि जैसे यहाँ जैसे कि आदिवासियों का कानून भी बहुत तरह तरह के बना, वन अधिकार 2006 भी बना, समुदाय के जो अधिकार है उसमें भी कुछ नहीं हुआ। हम लोग का पहला तो मांग ही है कि कैमूर का प्रशासनिक पुनर्गठन करें और 5वीं 6वीं सूची में, और दूसरा में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, तीसरा में आपके पेशा कानून जो बना है अभी तक लागू नहीं है, ना कोई सुनने के लिए तैयार है, और चौथा में प्रस्तावित भारतीय वन अधिकार कानून 2006 अभी तक धरातल पर नहीं देखने को मिला, न मिल रहा है। एएसपी दरोगा सब मतलब मैंने कि यही गांव जो है इसी गांव से लड़ाई हो रहा था, मतलब गुइया गांव से, कि आप जबरन यहां वृक्षारोपण नहीं कर सकते, आदिवासियों को मतलब ज़मीन से अलग नहीं कर सकते, तो जबरन यहां मतलब पुलिस लेकर मैंने 18 गाड़ी पुलिस मैंने कि 5-7-800 पुलिस की संख्या में वन विभाग लेकर आया, पूरी जनता को मतलब पूरे गांव को बंदूक के दल पर दबा कर यहां वृक्षारोपण कराया, पूरी ज़मीन उजाड़ कर मतलब ये नया वृक्ष लगा रहा है। तो मतलब बंदूक के दम पर ये लोग उनको भले साथ दे देते हैं वन विभाग को, आखिर जानता है आपका है कि नहीं है, आप विकास न करने आए हैं बी डी ओ साहब की, मतलब कि केवल वन विभाग के लिए आप यहाँ आए हैं, तो इसी बात को लेकर मतलब तालाबंदी किया गया था कि आप हमें समर्थन करें अब बताएं, तो मैं अगर उसको तोड़ दिया गया तो अब ऐसे मांग करते करते जनता जब मांगते मांगते थक गई, 2-2.5 घंटा लोग वेट किए, जब नहीं आया कोई तब जनता उग्र हुआ और मैंने ताला भरने की कोशिश किया कि ताला में हम बंद करके हम वहाँ धरना पर बैठेंगे, जो ये ब्लॉक है, तो वहाँ जब
ताला बंद करने लोग गए तो वहाँ जो प्रशासन था पुलिस था वो जनताओं को वार करने लगा, उसी पर जनता उग्र हो गया और उसी में विवाद बढ़ी। तब तोड़ फोड़ मतलब जाके वन विभाग में किया गया और वन विभाग में जब यही बात किया जाए कि आप लोग निकलिए हम ताला मार कर स्वेच्छा से बैठेंगे अपने शांतिपूर्ण तरीके से, मगर वहाँ क्या किया है पूरा पुलिस ने फायरिंग करने लगी, गोलियाँ चलाने लगी हमारे ऊपर। हमारे एक प्रभु गरिया के कान में गोली लग गई, कितने के सर फट गए, बहुत पिटाई किया, वो जनता भी उग्र होकर पिटाई किया। तो ऐसे मतलब वो गोली चार्ज कर दी वहाँ, तो फिर आकर मतलब शांति कुछ तरीका कुछ किया गया। फिर हमारे बाद में ये पुलिस आई और पूरा एकदम लोगों को मतलब ये 29 को केस डायल करके 7 को गिरफ्तार किया और मतलब 400-500 का मतलब ये नाम मतलब ये दर्ज करके मतलब ये केस लिख दिया। और आप पे भी FIR है? हाँ, हमारे पे FIR है। आपका अभी 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 आप छुपे हुए हैं? हाँ, छिपे हुए हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम जाएंगे तो धराएं लगा देगी, मुख्य कार्यकर्ता के रूप में हम लोग हैं तो ऐसे छिप के बिता रहे हैं। कि चूँकि ये हमारे घर पर भी 2 बार गया था वो मन पकड़ने के लिए, हमारे और साथी लोग के घर पर जाता है, कब चला जाता है, थोड़ा भी पा जाता है कि नहीं कि लोग आए हैं तो लोग चला जाता है, इसलिए हम लोग छुप छुप के मतलब रह रहे हैं यहाँ पर। हम लोग चाहे कुछ भी होगा, जो हम लोग का मांग है अगर सरकार नहीं देती है तब पर भी हम लोग अडिग रहेंगे, अपना लेंगे जितना ही 6 मांग है, ये हम लोग का मेन है। हाँ, जब तक नहीं देता है सरकार तब तक आवाज़ हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है, तब तक हम लोग अपना भी वोट नहीं देंगे।